हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो गाइस, कल का थोड़ा हमारा काम अधूरा रह गया था तो आज को हम कंप्लीट करेंगे। कल आपको बताया था कि हम एग्जॉस्ट में डिबिगलर लगाने वाले हैं तो उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। छोटे में आपने देखा है कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया था। तो हमने कुछ ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दी थी, सीट के लिए हमने सीट लॉक लगाने के लिए। और तो ये दो चीज़ें थी, उसके बाद हमने सॉकअप के हमने ये लगाए थे लास्ट वीडियो में, दोनों सॉकअप के। ये वाला डिबिगलर था, इसको हमने निकाल लिया था, पहले ये लगा हुआ था, तो हम उसकी जगह हम ये राजदूत बाजू लेके आए थे। तो इसको लगा के आपको एग्जॉस्ट का नोट सुनाएंगे। तो हम उसको पहले इसको वेल्ड करवा के ले आएंगे, हम नट वेल्ड करवाना है तो वो करवा लेंगे और ये डिबिगलर ऊपर लगा देंगे। तो गाइस, इसको हम आपको पहले बिना डिबिगलर के इसको साउंड सुना के देखेंगे, उसके बाद डिबिगलर का सुना के बताएंगे। तो चले गए, शुरू करते हैं। हम पहले तो मार्केट जाएंगे और मार्केट में हम जाएंगे तो हमको एक और चीज़ लाना है कि हमने जो सीट लगाया है ना, सीट का लॉक लगाने के लिए हमने ये जो होल बनाया है यहाँ पे, तो हम इसमें वो लगाना है हमको सीट को लॉक में, जो लॉक होगा जैसे ये है तो इसके अंदर यहाँ पर अंदर जाएगा, ये सीट का लॉक होगा इस तरह से। तो ये यहाँ पर लगेगा, ये इस तरह से लगेगा यहाँ पर। हम इसको यहाँ कस देंगे और ये इस तरह से चलेगा, यहाँ पर लॉक होगा। तो हमको ना इसमें यहाँ पर हमको वेल्ड करना पड़ेगा सीट में लॉक होने के लिए, एक इतना सा मेटल जैसा कुछ पार्ट लाना पड़ेगा ताकि इसके अंदर से घुस के वो लॉक हो जाया करेगा और सीट यहाँ ऊपर लग जाएगी। तो गाइस, हमको वो लेके आना है एक तो इस लॉक के लिए, और डिबिगलर में हमको नट वेल्ड करवाना है इसमें यहाँ पर, तो नट भी वेल्ड करवा लेंगे। तो चलिए गाइस, करवा के लाते हैं। तो गाइज, हम उसको हम बासुरी में हम नट वेल्ड करवा के लिए आए हैं, तो उसको हम लगा के देखेंगे और साथ में हम वो भी लेके आए हैं अपना सीट को लॉक करने के लिए। ये पार्ट सीट, जिसमें सीट लॉक होगी उसका जो बोल्ट है इसको हम काट देंगे, बीच में ये ऐसा कुछ आएगा तो हम इसको इसमें यहाँ वेल्ड करेंगे। तो इसके लिए पहले हमको उसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा, इसके साइज़ को काटना पड़ेगा कितना है। तो गाइज, हम क्या कर रहे हैं कि ये जो यहाँ इन दोनों में नट लगाने पे ये क्या अड़ रहा है, यहाँ पे ऊपर रह जाता है, तो इसको थोड़ा थोड़ा यहाँ से राउंड शेप दे देंगे, यहाँ मार्क कर लेते हैं। तो गाइज, इसको हमने इस तरह से वेल्ड कर दिया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। इसको आगे से हम क्या करेंगे, थोड़ा शेप दे देंगे, पर लॉक होता है वहाँ पे लॉक बना देंगे ताकि प्रॉपर इसमें जो लॉक में इसमें अटक जाए। तो इसको हम पूरा कंप्लीट करके फिर आपको बताते हैं। तो इसको यहाँ से हम खींचेंगे तो ये सीट खुल गई हमारी, लग गई, और सर इसको ऐसे खोले तो नहीं खुल रही है, तो सीट हमारा लॉक अच्छे से काम कर रहा है प्रॉपर, खींचे से नहीं खुल रही है। और ये लॉक खोलने पे ये खुल गई, लगाना ये लग गई, ऐसे खोल ये, तब बराबर लॉक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ सोच रहे हैं कुछ, तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ टूल बॉक्स टाइप कुछ रखने का बना देंगे सीट के नीचे, ताकि हमारा कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह हम यहाँ रख सकें, तो ताकि पानी से बच जाए वो। तो हम प्रॉपर यहाँ पर एक छोटा सा एक बॉक्स बना देंगे जिसमें सारी चीज़ें रहेगी। तो ठीक है गाइज, ये हमारा सीट लॉक का काम हो गया, उसके बाद आपको हम
बीबी किलर और बांसुरी लगा के बताएंगे। तो गाइस आज हमारा नेक्स्ट डे है, तो हम आज वही कल का बचाव काम करने वाले हैं, क्योंकि साइलेंसर में बांसुरी लगा रहे थे तो उसमें हमने बोल्ट वेल्ड करवा के लाए थे, तो उस बोल्ट में उस बोल्ट को हमने जब कस रहे थे तो उस टाइम वो बोल्ट कसते कसते टूट गया था वापस, तो उसको हम वापस से वेल्ड करवा के लाया था शाम को और हमने कस दिया था उसका, हमने वीडियो नहीं बनाया था और उसके बाद हमने लेट हो गया था, तो हमने फिर गाड़ी को स्टार्ट करके आपको बताया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो साउंड बहुत तेज होने के कारण ना उसको हमने स्टार्ट नहीं किया। तो हम आज हम आपको साउंड सुनाएंगे कि बिना बांसुरी के और बांसुरी के साथ गाड़ी में क्या साउंड चेंजेस और साउंड कैसा लगता है गाड़ी का। तो चलिए गाइस सुनते हैं हम साउंड बिना बांसुरी और बांसुरी के। तो गाइस हम क्या करने वाले हैं कि पहले आपको ये डीपी किलर और बांसुरी हमने निकाल दिए, तो बिना बांसुरी और डीपी किलर के आपको साउंड सुनाएंगे हम। तो गाइस सचिन अब इसको स्टार्ट करेगा गाड़ी को। तो गाइस आपने अभी साउंड सुना, बहुत ज़्यादा लाउड है ये, बहुत ज़्यादा ही लाउड है, तो इसको हम अभी बांसुरी और ये लगा देते हैं, दोनों लगाने के बाद आपको एक बार वापस सुनाते हैं कैसा साउंड है। तो गाइस अब मेरी आवाज़ आपको थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, पहले से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, थोड़ा बेसी हो गया है, थोड़ा मतलब इतना चुभ नहीं रहा है कानों में जो पहले चुभ रहा था, थोड़ा बेसी हो गया और थोड़ा दब गया है साउंड। तो अब ठीक लग रहा है, ये था हमारी गाड़ी का एग्जॉस्ट, कि आपको कैसा लगा आप बताना कमेंट करके।